नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम राजनीतिक किस्सों में। आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं सुल्तानपुर के लंबुआ विधानसभा क्षेत्र से विधायक देवमणि द्विवेदी जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सुशील पंडित जी। सर, मैं सबसे पहला सवाल आपसे, हम लोग राजनीतिक किस्सों में जो है जो ऐसी बातें पॉलिटिकल लोगों के बारे में जो आम जनता नहीं जानती है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला सवाल सर मेरा आपसे ये है कि एक कहावत ये है कि किसी परिवार में अगर एक व्यक्ति सरकारी नौकरी अगर पा जाता है तो सात जो है उनकी पुश्तें धन्य हो जाती हैं। आपने पहले यूपी पुलिस की नौकरी प्राप्त की, आप डीएसपी रहे, उसके बाद आप आईआरटीएस बने, रेलवे में आपने नौकरी की, बहुत उच्च पद पर रहे, जीएम रहे, विजिलेंस डायरेक्टर रहे। उसके बावजूद सर आपके मन की संतुष्टि, मतलब क्या उन जॉब्स में नहीं मिल पाई, फिर आपको पॉलिटिकल सिनेरियो में आना पड़ा, इसका क्या कारण रहा सर? सुशील पंडित जी, ऐसा है कि नौकरी में आपकी एक लिमिटेशन होती है, एक छोटे प्लेटफार्म पर होते हैं। जब आपको बड़े प्लेटफार्म पर जनता जनार्दन की सेवा करने की इच्छा हो तब आपको अनिवार्य रूप से राजनैतिक मंच ही पकड़ना पड़ता है। तो नौकरी करने के बाद पुलिस में और रेलवे में भी, एक ऑफिसर के रूप में काम करने के बाद, एज जनरल मैनेजर काम करने के बाद भी हमें लगा कि अपने को रिवील करने के लिए, अपना सत प्रतिशत देने के लिए समाज को हमें राजनीतिक मंच पर आना चाहिए। एक सर गांव देहात में कहावत होती है कि सरकारी नौकरी वाला व्यक्ति अपने 60-62 साल की उम्र तक कम से कम जनता की सेवा करने का उसको सौभाग्य प्राप्त होता है, लेकिन पॉलिटिकल सिनेरियो में कई बार चीज़ें बदल जाती हैं, 5 साल के बाद सब सिस्टम चेंज हो जाता है। तो आपको कहीं नहीं लगता कि पॉलिटिकल सिस्टम इज बेटर जनता की सेवा करने के लिए या ब्यूरोक्रेसी इज बेटर? देखिए, प्रभावशालिता जो है वह पॉलिटिकल सिस्टम की अधिक है और उसमें आप जनता जनार्दन के सीधे संवाद में आते हैं। यहाँ पर आप नीति निर्धारण का आपको अवसर मिलता है और बड़े परिवर्तन होते हैं। हमारे समाज की भाषा, हमारे समाज की शिक्षा दीक्षा, यह सब आपके राजनैतिक प्रणाली से निर्धारित होती है। इसलिए बड़े परिवर्तन के लिए, बड़े विकास के लिए, बड़ी चीजों के लिए, बड़े कामों के लिए, व्यापक परिवर्तन के लिए नौकरी की अपेक्षा राजनीति ही श्रेयस्कर है और श्रेष्ठ है।